तो ये देखिए यहाँ पर ये है श्रीनगर की डल झील। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि हाउस बोट में रुकना ठीक है या नहीं है। जब आप श्रीनगर डल झील के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारे होटल्स एंड हाउस बोट्स मिलेंगी, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहेंगी हाउस बोट। और इन हाउस बोट में ये जो सामने छोटी सी नाव, जिनको कि यहाँ पर नॉर्मली सिकारा बोला जाता है, जैसे ऊपर लेजर लिखा हुआ है नीली कलर में, देखो उसकी छत है, तो इससे जाना होता है आपने। तो आज मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ हाउस बोट में। और ये देखिए यहाँ जो श्रीनगर की जो मेन रोड है डल लेक के आसपास, वो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सामने आपको डल लेक का व्यू है। तो इस चैनल में मैं पूरा श्रीनगर के ब्लॉग डालूंगा, जो आने वाली सीरीज है, जैसे कि गुलमर्ग, सोमर्ग, पहलगाम, आरूवली, बेताब घाटी, जम्मू, उसके बाद मानसर लेक। तो आज मैं आपको सीधे यहाँ से हाउस बोट ले जाऊँगा और हाउस बोट में दिखाऊँगा कि किस तरीके की हाउस बोट बनी होती है। तो फिलहाल देख सकते हैं मैं निकल गया हूँ हाउस बोट के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी हमारी जो नाव है हाउस बोट के लिए निकल चुकी है। इस तरह की सामने जो आपको शिकारा दिखाई दे रही होगी, इस तरह की शिकारा में जाके हाउस बोट में जाना होता है। नॉर्मली हाउस बोट इसे बोला जाता है जो कि एक बोट होती है, मतलब बड़ा सा मकान टाइप का है जो कि नदी में ही रहता है। अब हाउस बोट में रहने के फ़ायदे और नुकसान पहले तो बता दूं। अगर आपको नॉर्मली बाई चांस आपने खाना खाया रात को 9 बजे, आप सोचें कि मैं रोड में थोड़ा सा वॉक कर लूं, वो नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए आपको शिकारा बुलाना पड़ेगा। और शिकारा एक चीज़ बताऊँ, चाहे कितनी से महंगी बोट है, शिकारा हमेशा अवेलेबल नहीं होता। जैसे आप होटल में, आपने होटल में ताला लगाया और सीधे आप निकल गए चहलकदमी के लिए अपने जो रोड है उसमें, लेकिन शिकारा में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। अगेन एक चीज़ बता दूँ, शिकारा में जब आप जाएंगे तो नॉर्मली जो शिकारा है, देख सकते हैं आप सामने पानी दिखाई दे रहा होगा, उसके आसपास देखेंगे तो बहुत सी, मुझे ऐसा लगा कि गंदगी वगैरह दिखाई देगी, या मच्छर थे या छोटे छोटे कीड़े थे वो मुझे दिखाई दिए, तो मुझे थोड़ा सा वो चीज़ें अजीब लगा। चाहे कितनी से महंगी ले लो, वो थोड़ा सा बदबू टाइप मारता है, क्योंकि एटलीस्ट जो भी हम फ्रेश होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो जाता कहाँ है, तो कहीं ना कहीं तो वो लिंकअप है। तो ये देख सकते हैं पानी, ये जहाँ बोट ये खड़ी है यहाँ पर, तो ये जहाँ पर खड़ी है उसके आसपास जो पानी है वो उतना साफ नहीं होता, काई वगैरह वैसे जमा होती है। सामने आज इस बोट में मैं जा रहा था, छत दिखाई दे रही होगी आपको, और ये हाउस बोट हो गया। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड रहता है यहाँ से, मतलब आप जैसे ही आप झील के अंदर आ गए तो इस तरीके के आपके हाउस बोट रहता है, देख सकते हैं। तो अभी मैं हाउस बोट देखने के लिए आया था, जिस हाउस बोट को मैं देख रहा हूँ उसका रेंट अप्रॉक्स ये 1800 रुपये मांग रहे हैं, और ये मार्च 2022 के दिन का रेंट है। अभी देखिए मैं अंदर हाउस बोट के अंदर आ चुका हूँ, तो इस तरीके का इसका व्यू है, देख सकते हैं। सामने जो शुरू वाला बैठक बोलते हैं इसको, इस तरीके का मिलेगा आपको, छोटा सा टीवी वगैरह मिलेगा, बीच में सेंट्रलाइज बुखारी लगी हुई है, मतलब अगर बर्फ़ पड़ रही है तो हर कमरे में सेंट्रलाइज बुखारी, मतलब वो केरोसिन से जलती है बुखारी, और वो सभी रूमों में गर्म करती है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसमें मैक्सिमम लकड़ी का ही काम होता है, किसी में वॉलनट की लकड़ी है किसी में। और एक और मेरे चैनल में एक बोट अवेलेबल है जिसका कि रेट 10 करोड़ से भी ऊपर है, वो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो इस तरीके के रूम रहते हैं कुछ, देख सकते हैं बाथरूम वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने सारे प्रॉस और कॉन्स बता दिए कि क्यों रुकना चाहिए। रुकना इसलिए चाहिए कि यहाँ से व्यू वगैरह अच्छा आता है, सामने आपको लाइटिंग दिखती है। और मैंने क्यों नहीं रुकना चाहिए ये भी बता दिया कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर जाएं रोड में घूम लें, उसके लिए आपको शिकारा मंगाना पड़ेगा, शिकारा वाला आएगा आपको ले जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। आप सोचे कि चलिए मैं थोड़ी देर कुछ खा लेता हूँ फिर वापस आ लेता हूँ होटल में, तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। अब ये देखिए चारों तरफ नीचे ज़मीन में मैटिंग वगैरह हो रखी है यहाँ पर, और ये रूम आप देख सकते हैं। तो 1800 रुपये का आसपास बता रहे हैं, तो मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने देखा, इसलिए मैंने यहाँ से गया और वापस आ गया, और मैंने होटल ही करना बेहतर समझा। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि बहुत से लोग बेवकूफ़ भी बहुत बनाते हैं, ऑनलाइन आप जाएंगे, ऑनलाइन में पिक्स वगैरह कुछ और होती हैं, और अंदर जाएंगे तो उस हाउस बोट की हालत इतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे ये हाउस बोट है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा मुझे स्मेल वगैरह लगी यहाँ पर, और थोड़ा सा घुटन घुटन टाइप की लगी, तो उस चीज़ के लिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। अभी देख सकते हैं यहाँ पर सामने गैलरी टाइप की रहती है, अगल बगल रूम होते हैं इसके, और अलग अलग टाइप के रूम हैं जैसे उसके चार्जेस हैं। और ये ऊपर छत के लिए सीढ़ी जा रही है यहाँ से,
मतलब छत कहने का मीन्स थोड़ा सा टेरिस टाइप का बना रखा है। और ये पीछे अगर देखा तो यहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, मतलब झील के पीछे बीच वाला इलाका जहाँ पर हल्का सा मतलब मैदानी इलाका है, तो वहाँ पर ये लोग रहते हैं। सेंट्रलाइज आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये मिलाई दिख रहा है आपको बुखारी, और ये सामने बैठने के लिए व्यवस्था है। और ये सामने फ्रंट का व्यू है, देख सकते हैं यहाँ से झील दिखाई दे रही है, सामने जहाँ पोल दिखाई दे रहा है वहाँ पर मेन रोड है इसका। तो इस तरीके से कुछ हाउस बोट रहता है, और इसका जो हाउस बोट के रेंट है वो आपको 800 रुपये से भी शुरू हो जाएंगे, और 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक भी यहाँ हाउस बोट के रेंट है। और दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सेंट्रलाइज फर्स्ट वाला रूम हो गया, जिसको बैठक बोल सकते हैं हाउस बोट का, और ये इस तरीके का एक गैलरी हो गया। एक रूम और दिखाने को बोल रहे हैं तो वो दिखा देता हूँ। तो इस जो सीरीज़ है, आने वाली सीरीज़ में मैं आपको पूरा श्रीनगर की जानकारी दूंगा, अगर कोई कमेंट है तो आपके पूछ सकते हैं। ये देखिए एक रूम और दिखाया इन्होंने, बोला ये अच्छा रूम है, ये देख लीजिए। तो इस तरीके का रूम है, और ये बाथरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बाथरूम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, सबसे पहली बात तो मुझे जो जहाँ पर वो खड़ी थी वो बोट के वहाँ पर जो आसपास का पानी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पानी मुझे ऐसा लगा कि गंदा पानी और स्मेल मार रहा, तो मैंने उसका अवॉइड करना ठीक समझा और मैं होटल ले लिया। और ये गैलरी में मुझे थोड़ा सा जब निकला तो ऐसा लगा मुझे स्मेल मार रही है घुटन टाइप की, मतलब एक साइड बोट की दीवार है और एक साइड रूम की दीवार है, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हाउस बोट में बहुत अच्छा हमारा ये रहा वो रहा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से रहा, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी डिपेंड ऑन योर टेस्ट है कि आपने किस तरीके का लेना है। ये बाहर का भी ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो पूरी जानकारी दूंगा मैं यहाँ पर, और मैं वो होटल भी दिखाऊंगा जहाँ पर मैं रुका था। वहाँ पर अप्रॉक्स 1800 से 2,000 रुपये मैंने पे किया एक दिन का, बिल्कुल सामने ही था। अभी देखिए हम यहाँ से अभी वापस जाएंगे हम यहाँ से। तो इस तरीके का बोट रहता है देखिए, और सामने आपको छोटे छोटे देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, मैं एरो से दिखाई दूँगा, इस तरीके के मच्छर आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, देख सकते हैं ये देखिए, ये आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके के घूमते रहते हैं, रात को भी घूमते होंगे, और जब आप रात को अभी जब डिनर के बाद खड़े होंगे तो ये आपको दिखाई देंगे चारों तरफ। तो जो बारीक बारीक चीज़ें हैं मुझे लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी हम यहाँ से जो हाउस बोट है वहाँ से चलते हैं उस साइड मेन रोड के साइड, जो कि झील का किनारा है। तो अगर बात करूँ डल लेक की, तो बहुत बढ़िया व्यू है। मार्च के टाइम में मैं आया था, उस समय बर्फ़ भी पड़ी थी और व्यू भी बहुत अच्छा था, और इतनी भी बर्फ़ नहीं पड़ी थी कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कत हो। तो और भी मेरी इस चैनल में आगे मैं अपलोड कर दूँगा गुलमर्ग की वीडियो, सोनमर्ग की वीडियो, देन आफ्टर पहलगाम के जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। तो देखिए अभी हमारी जो शिकारा है, शिकारा वाले भैया हमें लेके आ गए हैं। तो मैंने बोला, मैंने अपनी फोर व्हीलर वहीं पार्क कर दी थी किसी होटल में, और उनसे बोला था कि आप मुझे दिखा दीजिए शिकारा, जब मैं देखूँगा एक बार सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो मैं लूँगा। लेकिन पहले मैं मेक माई ट्रिप यात्रा फिर ओयो में भी देख रहा था, लेकिन मुझे थोड़े से ऐसा लगा कि जो पिक्स वगैरह है मॉडिफाई कर रखे, मैंने सोचा खुद जाके देखूँगा फिर लूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो मेरे हिसाब से, मेरी जो ओपिनियन है, मुझे नहीं लगा यहाँ रुकना, लेकिन अलग अलग आदमी का अलग अलग टेस्ट है। दोबारा बोलता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि क्यों रुकना चाहिए क्यों नहीं रुकना चाहिए। एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, आगे चैनल्स में मेरे आपको जो वीडियोज़ मिलेंगे, नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो श्रीनगर रिलेटेड है। मैं इस चैनल में आपको टेक के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, देन आफ्टर जो टूरिस्ट प्लेस कहीं विजिट करता हूँ कि जो मुझे दिक्कत आई वो आपको दिक्कत ना आए, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए कुछ तो हेल्प मिलता होगा इन वीडियोस से। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके का डल लेक का व्यू है, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाने की, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि क्या यहाँ पर जो रहता है किस तरीके का, हाउस बोट में रुकने से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, और भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि होटल मैंने जो लिया था कौन सा लिया था, और क्या अगर आप गुलमर्ग जाते हैं तो आपको जो गंडोला बोलते हैं उसके क्या चार्जेज है, गंडोला मीन्स रोपवे, उसके क्या चार्जेज है, रोपवे के कितने पॉइंट है, अगर आप जा रहे हैं तो किन चीज़ों से अवॉइड करें, कहाँ पर बार्गेनिंग करें, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी हम जो किनारे हैं, किनारे पहुँचने वाले हैं, और सामने आपको जो कार्स वगैरह हैं वो रोड में चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये सामने जो है रोड है, जो मेन रोड है, और इसी के
मतलब झील वाले इलाके में हाउस बोट है, और राइट हैंड में आपको होटल्स वगैरह दिखाई देंगे। होटल नॉर्मली जो आपको बोलूँ, अगर आपका झील व्यू नहीं है तो झील व्यू नहीं है तो उसके चार्जेस कम है। अगर झील व्यू शंकराचार्य टेम्पल पीछे की साइड पड़ता है, मैं दिखाऊंगा एक होटल के पीछे जाके, तो उसके थोड़े से चार्जेस कम है। तो अभी हैं भैया, हमें लेके आ चुके हैं किनारे पे। तो इस तरीके का ही बोट था जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।